हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? सभी बहुत अच्छे होंगे इस उम्मीद के साथ। मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं अपनी मैथ की क्लास में। और इस मैथ की क्लास में हम पहुंच चुके हैं डेसिमल फ्रैक्शंस पर। डेसिमल और फ्रैक्शन, इसके बारे में जानेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, किस तरह से होती हैं, किस तरह से नहीं होती हैं, और फिर हम आगे करेंगे कुछ क्वेश्चंस। आपकी भी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो हम बीच में लाइव क्लास लाते हैं उसमें भी आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आप भी फटाफट शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो जानेंगे सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट किस तरह से होते हैं। आओ फटाफट समझते हैं बिना देर किए हुए। जैसे डेसिमल, क्या है डेसिमल फ्रैक्शंस? तो डेसिमल फ्रैक्शन इच विद डिनोमिनेटर आर पावर ऑफ 10 आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शंस। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? यानी सिंपल फ्रैक्शन को हम डेसिमल्स बोलेंगे, है ना। तो डेसिमल है हमारा जैसे 0.9। तो अब ये 0.9 को हम फ्रैक्शन बनाना होगा, तो पॉइंट के नीचे एक लगाएंगे और जीरो बढ़ा लेंगे, ये बन गया, है ना। तो डेसिमल से फ्रैक्शन हमारा इसका बन गया। तो कुछ नहीं है डेसिमल, जो भी हमारे पॉइंटों में लिखे हैं उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी आपका बड़ा सिंपल है, 82 है, अपॉन में क्या है 100 है, तो दो अंक है, तो दो के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा 0.82। ये हो गया हमारा डेसिमल्स, है ना। जैसे यहाँ मैंने लिखा है 1/10, तो इसका डेसिमल क्या बनेगा? 0.1, ठीक है। अब इसका 0.1 डेसिमल बनेगा, और 1/1000 है, इसका डेसिमल क्या बनेगा? 0.01। ऐसे ही आपके पास लिखा है 82/100, तो 0.82। ये सभी इनके डेसिमल हो गए। बड़े सिंपल हैं, आप किसी भी भाग को आसानी से कर सकते हो, जो भी 10 की पावर में है। 10 की पावर में क्या होता है बच्चों? 10 की पावर में 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, ये सभी क्या होते हैं? 10 की पावर में होते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा 32/1000, 1000, है ना। तो कितने अंक है नीचे, कितनी पावर है 10 की? 3, यानी 3 0 है, 3 0 है, तो 3 अंक पर ही पॉइंट लगेगा। अब ये 32 है, 2 अंक तो ये रहे, एक और ये ले लिया हमने और ये लगा दिया पॉइंट, तो क्या हो गया? 0.032, ये हो गया इसका आंसर। तो इन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं? डेसिमल्स बोल देते हैं। आगे कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे आएंगे? फ्रैक्शन से डेसिमल, जैसे मैंने शुरू में बताया था, पॉइंट के नीचे आपको 1 लगाना है, जो भी पॉइंट है उसके नीचे 1 लगाना है, और बाकी जितने अंक हैं उतनी क्या कर देनी है? 0 बढ़ा देनी है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ये लिखा है हमारे पास 0.25, तो अब क्या करेंगे? पॉइंट है, पॉइंट के नीचे एक, और कितने अंक है? 2, तो 2 0 बढ़ा ली, पॉइंट कट गया। अब यदि ये संख्याएं कट रही हैं तो इनको काट देंगे, क्योंकि आंसर आपका इसी तरह से होगा। जैसे 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो कितना होगा? 1/4 हो गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 2.008, ये है, तो भी क्या करेंगे? पॉइंट के नीचे एक लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट के नीचे एक लगाएंगे, और बाकी जितने भी अंक हैं उतनी क्या कर देंगे? 0 बढ़ा देंगे, तो पॉइंट कट गया। अब ये क्या रह गया हमारा? 2008/1000। अगर ये चीज़ें कट रही हैं तो इसे काट लेंगे। जैसे 8 से कट जाएगा, 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40, 8 × 1 = 8, और ये कट गया 125 बार, 125 अट्ठे 1000 होते हैं ना, तो 251/125, ये इसका आंसर हो गया। तो इसको हम और कैसे कर सकते हैं? जब हमारे डेसिमल से आगे कोई कंप्लीट नंबर दिया है तो उसे कंप्लीट लिख सकते हैं, जैसे कि हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे हम यहाँ देखते हैं, अभी मैं आपको इसको बताऊंगा कर, ये जो हमारी संख्या लिखी है इसको अगर हम भाग दें तो 125 एकम 125, 125 दूनी 2, 250, है ना, 250, तो 2 बार चला रहा है, बचा क्या? 1/125। ये बात समझ में आ गई ना? इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया,
इसी चीज को, इसी को और डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मेरे पास लिखा था अभी 2.008, तो फ्रैक्शन तो बाद वाला है ना, बाद वाला ही तो पहले तो कंप्लीट है, तो 2 को तो लिख ले कंप्लीट प्लस 0.008। अब पॉइंट के नीचे एक और 1, 2, 3, 0 पॉइंट हट गया, 8 × 8 और 125 × 200 1000 तो कितना होगा 1/125। अब जो 2 आगे लिखा था वो इसके साथ मिल जाएगा, ये जो 2 आगे लिखा है ये इसके साथ मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/1/125। ये आसान तरीका और ये अच्छी अप्रोच है, बढ़िया अप्रोच यही है, सही अप्रोच यही होगी, इसी से आप इसको करने की कोशिश करोगे। आगे आते हैं, अब हम समझते हैं कि कोई भी डेसिमल है तो उसके हम बाद में 0 बढ़ा देते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं लेकिन वो काउंट नहीं होते हैं, यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से केवल प्लस माइनस के हिसाब के लिए, जैसे 0.32 है, अब इसी के बराबर क्या होगा 0.3200, ये दोनों एक ही बात है, 10 बढ़ाऊँ या मैं 20 बढ़ाऊँ, है ना 30, ये सब चीज़ें क्या है, एक ही चीज़ें हैं, बाद में 0 बढ़ाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ हम अपनी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए कई बार करते हैं, बाकी आगे 0 बढ़ाओ तो कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर आप 0 इस तरह से बढ़ाते हो तो वो बराबर नहीं होंगी वैल्यू, जैसे 0.032 तो नहीं, ये बराबर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। अब ये वैल्यू अलग हो गई और 0.32 वैल्यू अलग हो गई, और अगर आप लास्ट में 0 बढ़ाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज क्लियर है, आप कुछ क्वेश्चन है। दूसरा, हम इसका किस तरह से यूज करेंगे वो भी समझेंगे, और आगे संख्याएं कैसे काटते हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन है तो उसको डेसिमल दोनों जगह समान अंक है तो हम काट लेते हैं और डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इसी चीज में काम भी आता है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पर 1.84 है ना और 2.99, ये 2 हैं। अब यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने अंक है 2 और यहाँ भी कितने हैं 2, बाद की 0 का मतलब नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट कट गए, 2 अंक कट गए, अब कट गए तो हमारी वैल्यू क्या हो गई 184/299। अब अगर ये किसी से कट रहा है, अगर ये वैल्यू किसी से भी कट रही है तो हम काट लेंगे, जैसे फिलहाल 23 से कट जाएगी, हम HCFL सिम से भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं, तो 23 से कितनी बार कटेगी, 23 से कटेगी 8 बार, और 23 से कितनी बार कटेगी, 1 बार कटेगी और फिर 3 बार, तो क्या होगा 8/13, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर हमारा अगला क्वेश्चन है, आप इसको भी समझेंगे और देखेंगे कि ये भी किस तरह से हो रहा है, एक बार इसको अपनी नोटबुक पर कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ मैं यही समझा रहा था कि अगर आपके पास 0.2 लिखा है और बटे में 0.16 लिखा है तो पॉइंट अभी नहीं काट सकते हैं, लेकिन पीछे बढ़ाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो बढ़ा लो। अब ये हमने आसान बनाने के लिए बढ़ा लिया, अब यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, अब इस पॉइंट से पॉइंट को हम काट सकते हैं, और 20/16 हो गया, 20/16 हमारा कट जाएगा, किससे, जिससे भी कटेगा, 5/4, 4/5 बार, 4/4 बार, 5/4। तो ये चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ गई होंगी आपको, तो ये सिर्फ हम बराबर करने के लिए कर लेते हैं, बाकी इससे वैल्यू नहीं बदलती है। ऑपरेशन ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल के जोड़ घटाओ, प्लस माइनस कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होती है, डिवाइड कैसे होता है, इसका एक छोटा सा हम चीज़ें नज़रिया लेते हैं, छोटा से समय में इनको हम समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया, यहाँ देखते हैं बच्चों, 2.37 + 20 इतना, ये 7 है ये भी, है ना, और प्लस 0.237। अब ये सब जोड़ने हैं तो कैसे जोड़ेंगे, इनको जोड़ने का एक तरीका है, बड़ा सिंपल तरीका है, कि हमारा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब आप कहोगे इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, इस वाले में अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ है, सबसे लास्ट में है, जैसे यहाँ मैंने लिखा 2.37, दूसरा कहाँ लिखेंगे, दूसरा यहाँ लिखेंगे 2.37, और पॉइंट कहीं नहीं है तो लास्ट में, लास्ट में तो 0 बढ़ा ही सकते हैं, और इसका पॉइंट यहाँ गया तीसरी संख्या का यहाँ पर, और ये हो गया हमारा
237 है ना, ये एक 7 एक्स्ट्रा जाएगा, तो इधर से 7 हो गया, 7 और 3 0, 5 और 1 6, और ये पॉइंट, और ये 9, और ये 3, और ये 2, यही होगा इसका आंसर। तो ये चीज समझ गए होंगे आप सभी, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी संख्याएं कैसी भी लिखी हो। किसी में हमको पॉइंट नहीं दिखता है तो पॉइंट कहाँ लगा लेते हैं, सबसे लास्ट में पॉइंट लगा लेते हैं। अब समझते हैं मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं है ना, मल्टीप्लाई में यहाँ आपके सामने एक चीज लिखी हुई है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स में ये है ना। तो हमारे पास संख्या क्या थी, हमारे पास संख्या थी 5.9632 और इसमें हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दी है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दी तो पॉइंट 2 अंक खिसक जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5, ये 9 यहाँ 6 यहाँ, 2 अंक खिसक गए और 32 आ गए। अब डिवाइड होता तो पॉइंट इधर खिसक जाता, ठीक है। जैसे एक और समझते हैं, हमको यहाँ पर दिया हुआ है 2 अंक खिसक गए, ये है 0.073 इंटू ये दिया है 10,000। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, एक की ये गुणा होगी तो ये तो 7,3 आएगा ना, लेकिन देखो 4 अंक है, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो है तो 4 अंक खिसकना चाहिए, यानी 1, 2, 3, चौथा अंक है ही नहीं तो चौथा अंक कहाँ ले लेंगे, 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 0 तो बढ़ाई जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो पॉइंट हमारा यहाँ सबसे लास्ट में इतना खिसक जाएगा, तो इसका आंसर होगा 730। ये बात समझ में आ गई। और भी कई तरीके हैं जिससे हम इनको कर सकते हैं, इनको करने का सीधा तरीका ये भी, आप पॉइंट के नीचे 1 लगाओ, बाकी 0 बढ़ाओ, फिर जितनी 0 कट जाए तब काट लो, इस तरह से भी हम इनको कर सकते हैं। आप कोई दो डेसिमल नंबर है तो कैसे करना है, दोनों ही तरफ डेसिमल नंबर है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल है हमारे पास 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.002, तो फिलहाल तो हम 2 देख लेंगे, 2 × 4 × 8, तो आंसर कितना आ गया इसका, 8 आ गया, लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3, 3 तो यहाँ पर हो गए, 4, 5 और 1, 6, टोटल 6 है, तो ये 8 है 6 अंक बनाने। देखो हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि यहाँ पॉइंट लगा दो और ये बना दी, क्योंकि इनका तो कोई मतलब होता नहीं है, जब इनका कोई मतलब नहीं होता तो ये तरीका सही नहीं है। तरीका हमारा क्या होगा, हमने 8 लिखा और 6 अंक बनाने, तो 1 हो गया 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर लग गया पॉइंट, ये यही हुआ इसका आंसर। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे से, इस तरह से ही आपको डेसिमल करने हैं, डेसिमल की मल्टीप्लाई सिंपल मल्टीप्लाई होती है और बाद में डेसिमल काउंट करके हम टोटल डेसिमल काउंट करके लगा देते हैं। जब हम डिवाइड कर रहे होंगे डेसिमल से, किसी फिक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं है ना, तो फिक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, जैसे सपोज हमने लिया ये 0.0204/17 है ना, तो पॉइंट के इधर कितने अंक है, 4। आप सिंपल भाग करोगे इसे, थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे पॉइंट को, तो इसमें भाग करेंगे 17 × 17 बचे 3, 17 × 2 = 34, लेकिन पॉइंट के कितने अंक बाद है, 4 है ना यहाँ पर, तो 4 ही हमको बनाने पड़ेंगे, यानी 1, 2 तो ये हो गए और 2 ये बना लिए, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.0012। ये हो गया डिवाइड का मेथड, आपने सिंपल डिवाइड किए और जितने अंक थे उतने ही काउंट करके लिख दिए, ठीक है। अगर पूरा कटता है, अगर पूरा नहीं कटता है तो कैसे करोगे, कई बार ऐसा होता है ना पूरा नहीं कटता है, पूरी वैल्यू नहीं आती है, तो आपके पॉइंटों के अंक और भी आ सकते हैं, है ना, पॉइंटों के अंक और भी आ सकते हैं, तो जहां से वहां आपको पॉइंट लेना पड़ रहा है, जैसे सपोज यहां पर ये होता 0.0206, तब क्या करते बच्चों, तब किस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं देखते हैं। अब इसके बटे में 17 होता है ना, तो अब देखो 17 का इसमें भाग जा रहा है,
सबसे पहले जैसे ही हमने भाग लगाना स्टार्ट किया पॉइंट आ गया, हमने पॉइंट लगा दिया। जीरो में भाग जा रहा है नहीं तो ना जाने के जीरो, दो में भाग जा रहा है नहीं जा रहा तो ना जाने के एक जीरो, अब बीस में भाग जा रहा है हाँ तो बीस में भाग जाएगा तो सत्रह एकम सत्रह, बचे तीन, उतार लिया छः, सत्रह दूनी चौंतीस, बचे दो, फिर एक जीरो बढ़ा ली क्योंकि लास्ट में जीरो तो है, फिर सत्रह एकम सत्रह, इस तरह से वो चलता रहेगा, ये भी आगे भी चलती रहेगी वैल्यू, ठीक है। ये भी हमारा एक सिंपल तरीका है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। जो चीज़ें समझ में ना आ रही हो वापस पीछे कीजिए और समझिए चीज़ों को, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे डिवाइडेड डेसिमल, फ्रैक्शन बाय डेसिमल, दोनों ही तरफ डेसिमल है तो हम किस तरह से करेंगे, तो हम बटे का डेसिमल हटा लेते हैं, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। आपके पास है 0.00066 अपॉन में क्या है 0.11, तो देखो बटे का पॉइंट हटाना है, बटे का पॉइंट हटा लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बटे के पॉइंट कितने अंक हटाए हमने, दो अंक है, तो यहाँ से भी हमने दो खिसका लिया, यानी कि यहाँ आ गया, यानी कि इसका आ गया हमारा दो अंक खिसका लिया 0.066 बटे 11। हमने ये दो पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से कितना मूव किया दो अंक, तो ऊपर भी हमने यहाँ से और यहाँ से दो अंक मूव कर दिया, यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ गया तो ये हो गया। अब हम इसकी सिंपल भाग कर देंगे, 11 छक्के 66 होते हैं 6, लेकिन कितने अंक है 3, तो 1 2 3 तो 0 0 और यहाँ पे पॉइंट, तीन अंक बना गए तो तीन बना दिए। तो ये बात समझ में आ गई होगी, आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। आगे देखते हैं कंप्रेशन ऑफ फ्रैक्शंस, तो यहाँ पर हम किन चीज़ों को पढ़ेंगे, कंप्रेशन ऑफ फ्रैक्शन यानी जो भी हमारा फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को छोटे रूप में लिखना है, यानी काट कर लिखना या पॉइंटों में लिखना है ना, जैसे 3/5 है, यहाँ पे लिखा है 3/5, तो इसको 5 से हम भाग दे देंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे और 6, तो हमने दशमलव में बदल लिया, बस बड़ा सिंपल है। क्या है कि फ्रैक्शन को दशमलव में बदलना, 6/7 है तो क्या करेंगे, 7 में 7 से 6 में भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे पहले और जीरो बढ़ा लेंगे, अब 7 × 8 = 56 है ना, बचे कितने 4, जीरो फिर बढ़ा लिया, 7 × 35 बचे 5, 7 × 49 बचा 1, आगे चलता रहेगा। तो पॉइंट के दो तीन अंक जितने भी हमको रिक्वायर हो हम उतना सॉल्व कर लेंगे, तो इस तरह से हम फ्रैक्शन से दशमलव बनाएंगे, भाग देकर, सिंपल मेथड है। रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं जिस पर जो बार बार आ रहे होते हैं, जैसे किसी किसी का भाग ऐसा जाता है, जैसे 1/3 है, 1/3 जब हम करेंगे तो 0.33333 चलता ही रहेगा, जो चलता रहता है यानी चीज़ बार बार आती है तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं रिकरिंग नंबर। और जो चीज़ बार बार आ रही होती है उस पर हम बार लगा देते हैं, बार बार आ रहा है ना तो बार बार आ रहा है तो क्या लगा देंगे बार, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जितनी चीज़ें रिपीट हो रही हैं उतने पर बार लगाते हैं, जैसे हमने देखा 3.142857 फिर उसके बाद 1428 57, तो यहाँ रिपीट कितना हो रहा है, इतना रिपीट हो रहा है ना, इतना रिपीट हो रहा है तो हम इसी पर बार लगाएंगे 3.142857, इस पर लगा दिया हमने बार, यही हो गया हमारा बार रिप्रेजेंटेशन यानी रिकरिंग नंबर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ क्वेश्चनों के साथ, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मजबूत होंगे, फिर से समझ ले बच्चों, जब हम क्वेश्चन करते हैं तभी हमारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जो ना होंगे वो कमेंट्स में पूछेंगे, बाकी हम भी अगली वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए।